Hi, this is Khushbu with another question of triangles. This is question number 2 from exercise 7.2, page number 123 from NCERT. This says, in triangle ABC, AB is the perpendicular bisector of BC. Is ABC mein AD BC ka perpendicular bisector hai? That means, ye wali side, is side ki equal hai, perpendicular bisector, jis side pe ban raha hai, usko divide karega, aur ye angle 90 degree. So, show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. हमें prove करना है कि ये AB AC के equal है. So, हमें given है कि BD equal है DC के and angle BDC, sorry, angle ABC equal है angle ADB के equals to 90 degree. प्रूव हमें करना है कि AB इक्वल है AC के. प्रूव तो AB इक्वल टू AC लाना है, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को पिक करेंगे. सो इन ट्रायंगल ABD, ये वाला ABB एंड ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल. सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, हमारे पास है बी डी इक्वल है सी डी के, ये गिवन है. एंड एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी के, ईच इक्वल टू 90 डिग्री. थर्ड थिंग हमारे पास है, ये ए डी ए डी दोनों में कॉमन आ रही है. सो ए डी इज इक्वल टू डी ए कॉमन. सो हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं. सो ये दोनों ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी डी के बाय, पहले सिर्फ एक ही ट्राइंगल में देखना है, एक साइड है हमारे पास, फिर एक एंगल और फिर से एक साइड, देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो. सो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स दी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब कि सारी साइड, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, दैट मीन्स साइड ए बी इक्वल होगी साइड ए सी के, देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी डी. हेंस टू. सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.